गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, ये आपकी वर्क बुक है। मैरीगोल्ड में हमने चैप्टर टू पढ़ा था ना, नेहाज अलार्म क्लॉक, वो हम इसमें फिल करेंगे क्योंकि हमने पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है, वर्ड मीनिंग कर लिया, क्वेश्चन आंसर कर लिया है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखिए, टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इसको टेक्स्ट को पढ़ना है, इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। इट इज सो अनफेयर, ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। ये कौन बोल रही है? नेहा बोल रही है कि ये क्लॉक हमेशा सुबह 6 बजे बजती है और मुझे बिस्तर से उठा देती है, ये बहुत ही अनफेयर है मेरे साथ। किसी तरह ये घड़ी अपनी काम भूल जाए और बजना बंद हो जाए, और क्योंकि मुझे सोना पसंद है, मैं सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सोना चाहती हूँ, तो ये घड़ी अपना काम भूल जाए। व्हाट हैपन्स व्हेन द अलार्म क्लॉक रिंग्स, क्या होता है जब अलार्म क्लॉक बजती है? नेहा उठ जाती है, वो आपको यहाँ लिखना है। वॉट डज नेहा विश टू डू, नेहा क्या करना चाहती है? वॉट डज नेहा विश फॉर द क्लॉक, क्लॉक के लिए क्या विश करती है वो? कि वो बजना भूल जाए या गिर जाए। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज रेगुलरली का, इन फोर में से जो भी सही अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको टिक करना है। रेगुलरली का मतलब अलार्म है या ऑलवेज है या लॉन्गर है टाइम्स समटाइम्स है, आपको इन चारों में से टिक करना है। अब है इसका सेकंड पार्ट, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, ये वाली विश भी नेहा की पूरी हो गई, उसकी गाड़ी नीचे गिर गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, घड़ी भी नहीं थी, बर्ड्स भी नहीं थी, बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन एक और चीज़ थी जो नहीं जाती थी कि स्कूल बस मिस हो। कैन यू गैस हु इट इज, कौन थी वो? आप गैस कर सकते हैं? द बर्ड ब्राइट सन, द बिग ब्राइट सन, ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। तो है विच विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, नेहा की कौन सी विश पूरी हुई? आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हु डजंट वांट नेहा टू मिस हर स्कूल बस, कौन नहीं चाहता था कि नेहा की स्कूल बस छूटे? व्हाट हैपन्स टू नेहाज रूम, नेहा का कमरे को क्या हुआ? सूरज की धूप से भर गया था ना, तो आपको यहाँ पे वही लिखना है। नेक्स्ट है, फोर्थ है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज द एंटोनियम्स ऑफ डल, डल का एंटोनियम क्या है? एंटोनियम्स अपोजिट, उल्टा वर्ड। ट्रू है, वार्म है, ब्राइट है या बिग है डल का? आपको पता है, आपको टिक करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, द अलार्म क्लॉक रिंग्स एट 6 इन, ये सही है गलत आपको लिखना है यहाँ, टी या एफ। नेहा वांट्स द अलार्म क्लॉक टू फॉरगेट रिंगिंग फॉर एवर, रेहा चाहती थी कि हमेशा घड़ी हमेशा के लिए बजना बंद कर दे। नेहा इज फंड ऑफ द बर्ड्स दैट कम टू वेक हर अप, नेहा को बहुत पसंद था चिड़िया का आना उसके कमरे में, उसको उठाना। नन ऑफ द विशेज ऑफ नेहा कम्स ट्रू, नेहा की कोई सी भी विश पूरी नहीं हुई, आपको लिखना है। हाउ डज, क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हाउ डज नेहा वेकअप इन द मॉर्निंग, नेहा कैसे उठती थी? आपको वो लिखना है। वाई इज नेहा हैप्पी, नेहा खुश क्यों थी? वाई डज नेहा से दैट शी कैन गेट अप लेट द नेक्स्ट डे, नेहा ने ऐसा क्यों बोला कि मैं अगले दिन देर से उठूंगी? क्योंकि उसकी अलार्म घड़ी गिर गई थी ना। वाई डज नेहा विश फॉर द सन, नेहा ने सन के लिए क्या विश करा? वॉट हैपन्स टू द सन ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन सूरज को क्या हो गया? बादलों में छिप गया था ना। वेन डज नेहा फील दैट देयर इज नो एस्केप, नेहा ने कब ऐसा फील करा कि बचने का कोई चांस नहीं है, अब स्कूल से बचना हो ही नहीं सकता? वाई डज नेहा
ईट हर लंच एवरी डे एट 1 इन द आफ्टरनून। नेहा अपना लंच रोज 1 बजे ही क्यों खाती थी दिन के दोपहर के। वाई डज नेहा स्लीप एट 9 एवरी नाइट। नेहा रात को 9 बजे ही क्यों सो जाती थी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ नेहा वेक्स अप ऑन हर ओन। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि नेहा खुद से कैसे उठी, उसके अंदर की घड़ी ने उसको जगाया था। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट स्पेलिंग। एक वर्ड की तीन तीन स्पेलिंग दी है, आपको इन तीनों में से जो सही स्पेलिंग है वो टिक करना है। अलार्म की डबल ए अलार्म है या ये वाली है, ये वाली है, देख लेना। अनफेयर की देखिए कौन सी, UNFIAR या UNFRIAR या UNFAIR, कौन सी सही है आपको टिक करनी है। स्माइल की कौन सी सही है, SMILE या SMILI या SIMILE। मॉर्निंग की आपको भी पता होगी, मॉर्निंग मॉर्निंग की देखिए MORRINING या MORNING या MORMINNING। ESCAP स्किप की ये वाली सही है या ESCAP या फिर ESCAP, कौन सी सही है। टू है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए टू देयर मीनिंग इन द कॉलम बी। इन वर्ड का मीनिंग इधर है, आपको उस मीनिंग से मैच करना है। स्नैगल्स का मतलब, मटर का मतलब एस्केप, विंडो शील और रिलैक्स, मैच करना है आपको। थ्री है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन वर्ड हैज़ बीन मिस्ड आउट। इस सेंटेंस में एक वर्ड मिस हो रखा है, राइट द मिस्ड वर्ड, मिस्ड आउट वर्ड, आपको वो मिस्ड वर्ड लगना है अलॉन्ग विद द वर्ड दैट कम्स बिफोर इट एंड द वर्ड दैट कम्स आफ्टर इट। जो वर्ड पहले मिस वो लिखना है, और मिसिंग वर्ड भी लिखना है और बाद वाला वर्ड भी लिखना है। ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लॉन्गर इन द मॉर्निंग। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर वॉइस। माँ हु वोक मी टुडे, आई वॉन्ट टू मिस द बस। राइट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। इसके उल्टे शब्द, अनफेयर का फेयर, फॉल ट्रू का फॉल्स, ऐसे ही करके आपको लिखना है। फॉरगेट हैप्पी। ये चैप्टर आपका हो चुका है, फोर्थ क्लास। आज के आज ही मुझे सारा काम करके दिखा देना।